बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। गाइस, आज मैं उठ चुका हूँ, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, आज रात पूरी बारिश रही है और अभी भी बारिश थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी रुक गई है। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चले जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। आप देख रहे होंगे कि मैं किचन में आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूं, मैंने मुंह भी नहीं धोया। तो मैं उठ के सबसे पहले लिली और जैक का खाना गर्म करने लगा हूँ, क्योंकि वो अपने रूम में बहुत ज्यादा आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि इनके खाने का टाइम हो गया। अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं, पहले लिली और जैक का खाना गर्म करते हैं, गर्म करके फिर लिली और जैक को खिलाते हैं। खाना मैंने रख दिया ओवन में, और माशाल्लाह मजे की बात यह है कि अभी बहुत प्यारी बाहर धूप भी निकल आई है। चले जी, जब तक खाना गर्म होता है मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आके आप बाहर का नज़ारा देखें, सेन अभी तक हमारा गीला हुआ है, और ऊपर का नज़ारा देखें तो आप सामने सूरज देख सकते हैं, बहुत प्यारा सूरज निकल आया है। और देख रहे होंगे आप कि पहले मैं टी शर्ट में व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, आज मैं फुल पैक हुआ हूँ। फुल पैक होने की वजह ये है कि आज फिर सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछे मत, क्योंकि लगातार दो दिन से बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से सर्दी फिर वापस आ गई है। तो इस वजह से तो आज प्लान ये है कि आज मैंने एक बारात अटेंड करनी है। धूप निकली है, खुश इसलिए क्योंकि मैंने बारात पे जाना है, अगर बारिश हुई तो बारात पे जाना नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे धूप निकल आई है, अब डन है, बारात पे इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। जी गाइस, माशाल्लाह लिली जो है कि खाना जो है गर्म हो गया, हम ये साथ यखनी भी डालते हैं इनको। चिकन जो होता है वो गर्दन का होता है, तो इसमें हम इस पूरे चिकन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक होगा जैक के लिए, एक होगा लिली के लिए। माशाल्लाह गाइस, लिली और जैक को खाना डाल दिए, लिली भी खा रही है और जैक भी बहुत मज़े से खा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी फेवरेट डिश है। इसलिए मैं ज़्यादा खुश हुआ हूँ धूप निकलने की वजह से, क्योंकि आज इवेंट अटेंड करना है, अगर बारिश होती तो मेरा इवेंट कैंसिल हो जाना था, तो मैंने नहीं जाना था। इस वजह से धूप निकली है, धूप निकलने की वजह से अब डन हो गया कि हम इवेंट लाजमी अटेंड करेंगे, साथ आपको भी रखेंगे। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको धूप दिखाई है और अभी फिर बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज, और ऊपर देखें जी सूरज भी है और साथ तेज बारिश भी। देखें अल्लाह की कुदरत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया मैरिज हॉल में, अभी तक बहुत कम लोग आए हैं क्योंकि आज बारिश बहुत ज्यादा लगी हुई है, और रात जो है अभी आई है, तो भाई सारे इस्तकबाल कर रहे हैं और मैं अकेला आके इधर बैठा हूँ। तो मैं कहता हूँ चलें आपको भी मैं साथ दिखाता हूँ। तो बारात बस आ गई है, बाहर ढोल बजना स्टार्ट हो गए हैं, बस आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी गाइस, माशाल्लाह बारात आ गई है काफी टाइम वेट करने के बाद, क्योंकि आज बाहर बारिश बहुत ज्यादा लगी हुई है, बारिश ज्यादा होने की वजह से लोग काम नहीं आए हैं, घर से नहीं निकले। अल्लाह का शुक्र है मैं जब निकला हूँ घर से, उससे पहले बारिश रुक गई थी, जब इधर आके पहुंचा हूँ तो बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। अभी बारात आ गई है, बाहर दुल्हन वाले हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं दूल्हे का, जब अंदर बारात आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अगर मैरिज हॉल की बात करें तो मैरिज हॉल भी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा हॉल है इसका, आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने पक्का इधर अपना खुद का स्टेज बनाया हुआ है, अगर कोई फैमिली चाहे तो स्टेज को सजा सकती है, वरना इनका अपना बहुत खूबसूरत सा स्टेज बना हुआ है। इधर बैठने की वजह ये है, ये पीछे जो सीनरी बनी हुई है, ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा आ रहा था, और इसलिए इधर बैठा हूँ कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा है और व्यू अच्छा मिले।
अल्लाह सोने वाला है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह खाना भी बहुत मजे आया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, फ्री हो गए हैं। इससे पहले बारिश आ जाए गाड़ी जाते हैं। बाय बाय टाटा। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गया हूँ और रास्ते में इतना तूफान आया तूफान ने मुझे सारा भिगो दिया था साथ ओले। तो तौबा तौबा, मैं तो कब का घर आया हुआ हूँ, मैं रज़ाई में घुसा हुआ हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, शायद मैं मुझे बुखार ना हो जाए, इसलिए मैं बैठक में आया हूँ। मैं कब का लेटा हुआ हूँ, मैं कह के आज इस वीडियो को एंड कर दूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह तबीयत अच्छी हुई तो कल मिलेंगे अपने कज़न की बारात पे। ओके जी, आज के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।